दिल्ली के सियासी होड़ का एक केंद्र एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर भी है, जहां आज शरद पवार सियासी पावर दिखाने जा रहे हैं। तो आज शाम 4 बजे गैर कांग्रेस विपक्ष के नेताओं की बैठक है, और इसे प्रशांत किशोर के साथ 11 दिनों में पवार की दो दो मुलाकात के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। बंगाल जीतने वाली ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने वाले शरद पवार और चुनाव दर चुनाव कमाल दिखाने वाले प्रशांत किशोर, इस तिकड़ी ने दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा दिया है। बंगाल की कमाल के बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता से दिल्ली दौड़ की तैयारी शुरू कर दी है। उनके राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर के 11 दिन के अंदर शरद पवार से डबल मुलाकात को इसी की फहरिस्त का हिस्सा माना जा रहा है। पवार का पावर क्या होता है महाराष्ट्र देख चुका है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी सत्ता से बाहर है। ममता पवार और प्रशांत किशोर के इस तिकड़ी के मिशन की 2024 की वानगी आज दिल्ली में दिखने जा रही है। शाम 4 बजे शरद पवार के घर पर हाई प्रोफाइल बैठक है। इस बैठक में सियासत से लेकर बुद्धिजीवियों को भी न्योता दिया गया है। कांग्रेस के नेताओं को बैठक से दूर रखा गया है। माना जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला, यशवंत सिन्हा, पवन वर्मा, संजय सिंह, डी राजा, केटीएस तुलसी, एस वाई कुरैशी और सुधींद्र कुलकर्णी पवार की बैठक में शरीक होंगे। वैसे बुलावा तो जावेद अख्तर, करण थापर, प्रीतिश नंदी, आशुतोष और अर्थशास्त्री अरुण कुमार को भी गया है। अटकलें हैं कि पवार की पावर बैठक में 4 एजेंडों पर चर्चा होगी। मसलन मिशन 2024 का चुनाव, देश के सियासी हालात, विपक्ष को एकजुट करना, कांग्रेस मुक्त विपक्षी मोर्चा। पवार के घर बैठक में आज न ममता बनर्जी होंगी और न ही प्रशांत किशोर होंगे, लेकिन नए समीकरण भी सधेंगे और नए रास्तों पर भी मंथन होगा। 11 दिनों में मुंबई से दिल्ली तक दो दो बार शरद पवार से मुलाकात करने वाले प्रशांत किशोर ने आज तक से बातचीत में कहा कि उन्हें तीसरे और चौथे मोर्चा पर भरोसा नहीं है और ऐसा मोर्चा बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकता। ऐसे में सवाल है कि पवार के दिल्ली बंगले पर कौन सी खिचड़ी की हांडी चढ़ी है। क्या कांग्रेस को दूर कर कोई ऐसा फॉर्मूला बन भी पाएगा जो टीम मोदी को चुनौती दे पाए। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।